SC Verma solution, chapter 3, rest and motion, kinematics, question number 28. An NCC parrot is going at a uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drop a berry. Which cadet, give the distance from the tree at the instant, will receive the berry on his uniform. Okay, so yahan pe bird ne jaise hi ek berry ko drop kiya, ठीक है, तो यहाँ से कौन से कैडेट को बेरी मिलेगा, यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से तो ये कैडेट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जितने टाइम पे बेरी नीचे आएगा उतने टाइम पे एक जो कैडेट होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ वाला कौन सा कैडेट होगा, कौन से डिस्टेंस वाला कैडेट होगा जो यहाँ पहुँच जाएगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो अपने पास कैडेट की स्पीड दे रखी क्या, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर को अपन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा ये 5/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये कैडेट जा रहे हैं। ओके, तो बेरी को नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है वो निकाल देते हैं। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो बेरी जीरो स्पीड से स्टार्ट हुआ है, तो एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर। ए क्या अपना जी है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2h/g, राइट, रूट में। तो 2 कितना वैल्यू पुट करते हैं, 2 एच कितना 12.1, जी कितना 19.9.8। तो अपने पास जो टाइम आ जाएगा, किस टाइम के बाद बेरी गिरेगा, 1.57 सेकंड के बाद। ओके, इस टाइम पे कौन सा कैडेट यहाँ पहुँचेगा ये आपको फाइंड करना है। तो अपने पास टाइम है और स्पीड है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, राइट, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 5/3 × 1.57, तो आंसर क्या आएगा, 2.68 मीटर पे जो कैडेट खड़ा होगा उसको ये बेरी मिलेगा, क्लियर है।